माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो टुडेज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू चेंज प्रेशर बैंडेज ऑफ ए ब्लड लीकिंग फिस्टूला। अगर फिस्टूला में से ब्लड लीक हो रहा है तो आप प्रेशर बैंडेज को किस तरह चेंज करेंगे। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको फिस्टूला के ऊपर ब्लड वेसल्स को प्रेस करना होता है। जो ये फिस्टूला आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा। जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो जो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पर प्रेशर बैंडेज को रिमूव कर सकते हैं। अब ये प्रेशर बैंडेज रिमूव करने के बाद आपको फ्रेश प्रेशर बैंडेज लेना है, उस पर एक एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट लगाना है, और फिर ऑइंटमेंट लगाने के बाद प्रेशर बैंडेज को आपको टाइट कर देना है। देखिए, जब भी डायलिसिस ख़त्म होने के बाद आप निडल को रिमूव करें, तो निडल रिमूव करने के बाद थोड़ी देर प्रेशर बैंडेज को अपने हाथ से ही या थंब से ही प्रेस किए रहें, उसके बाद तब टॉर्निकेट से उसको टाइट करें, तो इस तरीके से जो ब्लड लीक की समस्या है वो नहीं होगी।